गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन तो मैं रात में क्लीन करके पूरा सोती हूँ, फिर भी एक बार ना सुबह उठ के मैं किचन में गीले कपड़े से ना एक बार मैं चूल्हा वगैरह और स्लैब को ना थोड़ा सा मैं पोंछ लेती हूँ, कि पता नहीं रात में कुछ भी चला हो, ऐसा कुछ आप अंदाजे से बता नहीं सकते ना, इसलिए। तो बस अभी फटाफट से मैं आर उसके लिए चढ़ाऊँगी हॉर्लिक्स, एंड अभी जो मलाई वगैरह होता है वो निकालूंगी और फिर आगे का काम मैं स्टार्ट करूंगी। और उसका हॉर्लिक्स बना के मैंने अभी टेबल पे रख दिया उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और उसके बाद अभी मैं ग्लास ओपन करूँगी अपने बालकनी की। आज सुबह मैं उठ के मैंने ओपन नहीं किया, नहीं तो मोस्टली मेरी आदत होती है सुबह उठते ही मैं आती हूँ हॉल में और उसके बाद ग्लास ओपन करने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं फ़्रेश होने के लिए जाती हूँ ताकि ताज़ी हवा बिल्कुल घर में आ जाए। तो आज मैंने पहले फ़्रेश हो लिया था, उसके बाद मैंने ग्लास ओपन किया है। एंड उसके बाद चाय पत्ती का छोटा सा पैकेट मैंने मंगा लिया था, जो ख़त्म हो गया था मैंने भर लिया है, और 1 kg वाला भी मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था, जो रात में देकर चला गया था, सुबह इसको मैं उठा के रख दूँगी। और फिर आगे वही लग गई हूँ चाय बनाने में। तो ये दूध ना बहुत गर्म हो गया था, तो भाप से ना मेरी उंगली जल रही थी, इसलिए मैं इसको आराम आराम से निकाल रही हूँ। तो फटाफट से अभी मैं चढ़ा दूँगी चाय बनने के लिए, उसके बाद में फिर आगे का काम स्टार्ट करूँगी। चाय वाय हो गया था हमारा, उसके बाद फिर आरुष को आज ब्रेकफास्ट में लेना था सूप, उसको सूप पीने का मन था। तो वैसे मैं नोर का सूप रखती हूँ, 3-4 डिफरेंट टाइप्स के रखती हूँ, तो उसको ना सिंपल टोमेटो सूप जो होता है ना वो पीना होता है। तो मैं सूप बनाते टाइम ना हमेशा पानी में नीचे ही मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर उसको गैस पे पकाती हूँ। उससे क्या होगा ना, पानी अगर गर्म हो जाएगा फिर आप उसका पैकेट डालोगे ना तो फिर गुठली गुठली सी बन जाती है, लम्स पड़ जाते हैं, तो फिर उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए उसको मैं नीचे ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आप इसको 2 से 3 मिनट बॉयल करोगे, बहुत ही स्मूथी सा सूप बन के तैयार होता है। तो ये था आरुष का टोमेटो सूप। एंड हमने अपने लिए बनाया था जो बिल्कुल तीखा सूप होता है ना, काफ़ी स्मोकी वाला सूप था, वो बनाया था, और आरुष को ये टोमेटो सूप बहुत पसंद है, तो उसके लिए हम लोग ये टोमेटो सूप ही लाते हैं, और अपने लिए अपने पसंद का हम लोग अपने लिए लाते हैं। उसके बाद उसको ये प्यार व्यार करना होता है किचन में, जब मैं काम कर रही हूँ तो बीच बीच में आके उसको प्यार व्यार करना होता है मेरे से। उसके बाद फिर आज मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी। तुरई की सब्ज़ी बहुत सिंपल बनती है, हमारे बिहार में तुरई की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले वसाले नहीं पड़ता, तो ये एक्चुअली तुरई भी नहीं है ना, इसको जो झिमनी बोलते हैं ना वो है, ये लंबी लंबी सी यहाँ पे मिलती है, तुरई यहाँ पर मिलती भी नहीं चेन्नई में। तो बस इसका मोटा वाला छिलका जो होता है वो मैंने हटा लिया था,
और फटाफट से मैं इसको काट लूँगी। एक आलू भी मैंने इसमें डाला था आलू के चलते, और दो बड़े साइज़ के मैंने प्याज काट लिए थे। बहुत सिंपल सी मीठी सी सब्ज़ी बनती है, और उसके साथ मैंने लंच में बनाया था रोटी। तो तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए ना बस थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा राई और जीरा डाल दीजिए, आप चाहें तो जीरा स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने सूखी मिर्च, 1 तेज़पत्ता, उसके बाद फिर यही जीरा और सरसों जो होता है वो डाल दिया था। वो तरकने के बाद ना इसमें सिंपल सा प्याज डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद प्याज थोड़ा सा भुन जाए तो थोड़ा सा हल्दी मिर्च पाउडर डाल के, और जो सब्ज़ी होता है वो सब्ज़ी डाल के, उसके बाद फिर इसको आप ढक के छोड़ दीजिए। आराम से ही सब्ज़ी खुद ब खुद बन के तैयार हो जाती है। बहुत टेस्टी एंड यम्मी सी सब्ज़ी बनती है। उसके बाद सीधे मैंने रात को बनाया था ये मूंग की घुगनी। एक्चुअली मैंने मूंग सोख होने के लिए डाला था, तो इसका मैंने एक दिन दाल भी बनाया था, थोड़ा सा इसमें रूट्स निकल गए, तो इसका मैंने घुगनी बनाया था। बहुत सिंपल और अच्छी सी घुगनी बनती है ये। तो बस कुछ नहीं करना था इसमें ना, मस्टर्ड ऑयल में इसको बनाते हैं, तो एक पैन मैंने चढ़ा दिया था। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, उसके बाद इसमें जीरा डाल दिया था। आप चाहे तो सरसों राई भी डाल सकते हो, या फिर आप नहीं भी डाल सकते हो। तो मैंने 1 मिर्ची 1 तेज़पत्ता 1 जीरा डाल दिया था। उसके बाद जब ये तरक जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं प्याज। तो 1 प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया था बड़े साइज़ का। प्याज डालने के बाद उसके जब थोड़ा सा प्याज का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाएगा, फिर उसमें अदरक लहसुन मैंने कूच कर डाल दिया था, जो फ्रेश वाला होता है वो। आप चाहे तो उसको चॉप करके भी बिल्कुल पतला पतला महीन महीन सा काट के भी डाल सकते हो। तो बस वो डाल दिया था मैंने, वो भुन जाएगा। उसके बाद बस थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर डाला था, आमचूर, और वो डाल के मूंग को डाल के अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। इसमें कोई टमाटर वगैरह, कोई भी गरम मसाला, चिकन मटर मसाला कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा ये घुगनी बनता है। उसके बाद इसको कटे हुए प्याज और नींबू के साथ गार्निश कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है ये घुगनी ना। आप पोहे के साथ भी खा सकते हो, भुना हुआ चूड़ा होता है उसके साथ भी खा सकते हो, या फिर आप मूढ़ी के साथ भी खा सकते हो, मुरमुरे जिसको बोलते हैं, या फिर ऐसे भी आप उसको नमकीन वगैरह डाल के खा सकते हो। बहुत यम्मी एंड टेस्टी सा ये घुगनी बनता है। बहुत सिंपल बनता है, कोई भी बहुत मसाले डाल के नहीं बनते हैं। अगर आप चाहो तो उसको कुकर में भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा ना क्रंची क्रंची सा मुंह में लगता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये बनाया था मैंने आज डिनर में घुगनी। थोड़ी सी लेफ्ट ओवर दिन की सब्जी बची हुई थी, रात में रोटी था, घुगनी था, सैलेड था, तो यही हमारा खाना हुआ था। और बहुत यम्मी एंड टेस्टी सा ये घुगनी बन के रेडी हुआ था। Oh,
और यहाँ पर मेरी घुगनी बनके तैयार हो चुकी है। इसको मैंने एक छोटे से बॉल में निकाल लिया है और अच्छे से प्याज मैंने चॉप कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था ऊपर से और नींबू कटा हुआ, और हमारा डिनर हो चुका था डन। एंड उसके बाद आ गई थी मैं नाइट का किचन क्लीन करने, तो थोड़ा सा ना घुगनी बच गया था, मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद सारे बर्तन में धुलने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, गैस और स्लैब मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, ऐसे में गर्म पानी लेती हूँ, बहुत ऑयली चिपचिपी से लगता है, तो उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाला था मैंने और विनेगर। उसके बाद मैं इसको अच्छे से डिप कर लूँगी। उसके बाद सारे जो गैस स्लैब जितने भी है सबको मैं इसी पानी से क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका ऑयली चिपचिपापन जो होता है, रोज़ आप ऐसे क्लीन करोगे ना, फिर आपके किचन के स्लैब पे, चूल्हे पे किसी भी तरह की कीड़े चींटी कुछ भी नहीं लगेंगे। जो नॉर्मल पानी से वाटर से ऐसे क्लीन कर लेते हैं उन्हीं का किचन चिपचिपा सा आप छूओगे तो स्टिकी सा लगेगा स्लैब चूल्हा या फिर बर्तन जो भी चीज़ें होती है वो। तो बस मैं किचन में ना आधा घंटा खाना वाना खाने के बाद मैं रोज़ आधा घंटा किचन में देती हूँ अपने गैस को क्लीन करने के लिए। स्लैब वगैरह सब कुछ, बर्तन वगैरह, मैं एक एक चीज़ क्लीन करके ही रात को सोती हूँ, तभी मुझे तसल्ली मिलती है। फिर सुबह उठो ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा फ्रेश सा किचन मिलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है काम भी सुबह करने में, चाय बनाने में, पानी पीने में, हर चीज़ें करने में। तो मैं सारी चीज़ें हटा हटा के रोज़ रात को मैं क्लीन करती हूँ। वैसे दिन में कितने बार किचन क्लीन होते हैं ना उसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे में एक बार रात में ज़रूर क्लीन करती हूँ और मेरा किचन हो चुका है क्लीन, आप देख सकते हो। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली अपनी किचन के खाने पीने, रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर आप लोग अपने।